बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं अपने बहुत प्यारे भाई मोहम्मद आसफ अलवी के पास हूँ सरगोधा में, और उनके डेरे पर हूँ। ये वो शख्सियत हैं जिनसे हमने अल्लाह से मोहब्बत करनी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी सीखी। मेरा ये प्यारा भाई जो है, ये माशाल्लाह इनकी नसीहतें हमेशा ज़िंदगी में काम आती हैं मेरे। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आज इनके डेरे पर भी जाऊं और इनसे मिलूं, तो आज इनके डेरे पर मैं आया हुआ हूं। माशाल्लाह जी, अलवी साहब सर बड़ा अच्छा टाइम ज़िंदगी का गुजरे है, बड़ा चंगा लग गया इतने आके। मैं यूनिफॉर्म सा मैं कचहरी गया सा सरगोधे से यूनिफॉर्म जी आ गया, लेकिन मैं यही खुशी होगी कि तो मैंने रबता हो गया। मैं बड़े आई वॉज ईगर टू मीट यू। बड़ा अच्छा है सर माशाल्लाह। की चीज़ है जी? सुपर नेपियर ग्रास। सुपर नेपियर ग्रास है, नवा चारा है। अच्छा, कलमा लगती है ना? अच्छा माशा, जिस तरह कमाद दी कलमा लगती है, जेड़ा मैं तुम्हें रिव्यू दिखाना, जेड़ा तैयार की फसल है। अच्छा 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 ते सुपर नेपियर ते विच मकई है। सुपर नेपियर चली है जी, ते मकई भी विच है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बेटे अहमद नु बड़ा शौक है, जो आवे आया है मेरे नाल, हुण तां मैनूं सुत्ता है किथे वे। मैं कहना था कि मैं हुण प्रोटोकॉल दे चक्कर बिना तां आ जाओ ते चलीए, ते मैं फटाफट अलवी साहब नु मिलावां। माशाल्लाह, ठीक है जनाब, आए हो रहा है जी। बड़ी खुशी माशाल्लाह जी, लाहौर अक्सर जर्मनी फिर कटाई कर लांगे, फिर दोबारा आप ही हो जाएगा। खाद लगानी है, पानी देना। अरसा सात अठ साल दसते ने। क्या बात है जी, टाली दे थले बह के क्या यादा ने। अलवी साहब जी माशाल्लाह, जो मैं इत्थे सरगोधा अपने मामा जी को रहा हकीम साहब को, इन्होंने वालद साहब नाल इन्नी मुहब्बत मामा जी की, और इतनी ग्रेट शख्सियत अज भी मनो उन्होंने नाल जिहड़े मुलाकात रही ने जेन च रहिंदियां ने। बल्कि मैं जो तसव्वुर दे विच अक्सर रात नूं सौण लग्या इन्हां दे वालद साहब की कबर ते मैं कई दफ़ा गया वा जनाब नवाब अलवी साहब की, ते मैं हुण तसव्वुर च भी रात नूं सौण लग्या उत्थे दुआ मंगना ना ना से। बहुत नेक और बड़े अच्छे इंसान, बड़े शरीफ इंसान। वक्त ही बदल गया माशाल्लाह जी। ठंडी ठंडी आवाज चल रही है, तो सरगोधा का तो जनाब मेरी रूह च वसदा है। मैं अपनी जिंदगी का इतने 24-25 साल गुजारे, नानका से मेरा, तो अलवी साहब जैसे लोग इन्हों को मैं इंस्पायरेशन लैंदा रहा वा, और इन्हों दी मोहब्बत यानी कि वो लोग ने जिन्हों की दोस्ती पर नाज किया जा सकता है, कि जिन्हों पर फख्र किया जा सकता है, कि मैं समझना वा कि बड़ा अच्छा टाइम गुजारिया। तो अलवी साहब एनू की इस एरिए कहते हो, एरिया है गिल वाले गिल वाले की जगह है, गिल वाले की जगह चाली शुमाली नाल सड़क परली साइड चाली चक। अच्छा, यह जी सड़क है चक सा ਸੁਪਰ
और एक महीने बाद 15 फुट का हो जाए। जदीद इनफॉर्मेशन तो उन्होंने ऐसी चीज इतने कल्टीवेट की जिरा बड़ा फायदा हो। आसमी साहब लेट हो गए, लोग ने गांव दे विच बड़े किल्यां दे किले लाए हुए। देखो ए जिहड़ी जगह जे ना जिथे असी खलोते आ नाज़रीन, ए शहर च जगह जे ते बड़ी गल है कि अल्लाह करे ए जगह ते सारे बहुत कीमती हो चुकी है। शायद इन्हां नूं ओह प्रॉफिट उन्हां ना दे रही होवे जिन्ना इन्हू होर तरीके नाल इस्तेमाल जिवें लोग करदे रहे सेल करके। लेकिन ए इन्हां दी ग्रेटनेस है कि इन्हां ने अपने अपने इस जगह नूं अपने फोर फादर्स दा ओह जिहड़ा अपने अबाउजदाद दा जिहड़ा इन्हां बूटे उन्हां नूं खत्म नहीं होण दे रहे। ते तुसीं जरा इधर इधर जरा थोड़ा विखाओ जरा सारा सीन गुजार लेना। जिंदगी का कोई पता नहीं, बड़ा टाइम गुजर जाता है, हर इंसान च कमियां कुताइयां होंदियां ने। लेकिन मोहतरम नाज़रीन, मैंने आपको यकीन से कहूं कि अलवी साहब वो शख्सियत है जो हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, क्योंकि ये इतने अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे लोग हैं कि मुझे नहीं लगता, मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हमें ऐसा लगता है। बरसों बाद भी मेरे ऐसा लगता है ये हमारे ही हैं, हमें यानी अपना लियन है हमारा इनके ऊपर कि वो यार हमारे भाई हैं ये। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, इनकी अम्मी की दुआएं, और ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपनी बेगम से जब बात करता हूँ, वो भी इसी गाँव की इसी जगह से गई, तो इनका जिक्र जरूर आता है, इनके वालदे मोहतरम का जिक्र आता है, इनकी वालदा का। इन लोगों की हमारे ऊपर बड़ी नवाजशात है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि लोग इतनी मोहब्बतों बांटने वाले थे और अब भी है माशाल्लाह इनका घराना। तो मैं बड़ा खुश हुआ हूँ जी आज अपने इस भाई से मिलकर, और मुझे फख्र है कि मैं मोहतरम अलवी साहब से मिलने के लिए आज आया। और ये आज मेरी ये मेरे लिए असल में ये, मैं आपको पता है कि मैं इस तरह की व्लॉग वगैरह नहीं बनाता, मैं तो सिर्फ लॉ की बातें करता हूँ। लेकिन ये जगह ऐसी थी कि मैं ये मैंने अपनी इंस्पायरेशन के लिए, अपनी रूह को सुकून देने के लिए ये बातें की हैं, क्योंकि मैं अक्सर कलक महसूस करता था कि मैं अलवी साहब से नहीं मिल पाया काफ़ी अरसे से। लेकिन इंशाल्लाह ताला मोहब्बत का ये कारवां जो है ये जारी और सारी रहेगा। सर, आपने मेरी किताब कानून और हाकमियत को कुछ देखा है? देखा है, उस हवाले से कुछ कहना चाहें तो? बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह आवाम के लिए, ख़ास तौर पे उसमें वो चीज़ें हैं जो हमें पहले बिल्कुल ये वरासत के मामलात नहीं पता था, जो मुश्तरका खाता है उसके मामलात नहीं पता थे। तो बहुत सारे जो सिस्टर्स के हमें जो हिस्से हैं इसके, उसके बारे में बहुत सारी हमारे जहन में सवाल थे, जो उससे अल्लाह के फजल से हम बड़े मुस्तफीज हुए हैं उससे। माशाल्लाह जी, मेरे ऐसे बड़ी ऑनर जी नाज़रीन के एक पढ़िया लिखिया बंदा जड़ा माशाल्लाह तुसी जिन्हां नूं इत्थे शहरी लोकी जड़े ने ना वो करोड़पति बने फिरदे ने, ए भी करोड़पति होने तो बावजूद भी डाउन टू अर्थ ने, ते इन्हां दा जड़ा रवैया एटीट्यूड और इन्हां दा मैनूं याद है कि खत्मे नबूवत दे हवाले नाल इन्हां ने हमेशा साडी रहनुमाई कीती है। देखो दीन तो बगैर असी कुछ नहीं है, यह अज असी हैं कल असी नहीं रहना इस दुनिया से। लेकिन मैं अपने रब दे जिहड़ी रब दे बंदे होण दा सानूं जिहड़ा ना वह देना चाहिए सबूत कि असी अपने रब दे वाकई बंदे हाँ और बंदा बन के सानूं रहना चाहिए। तो बड़ी जनाब तुसी को वीडियो शीडियो जिहड़ी मेरे को वेखदे रहिंदे ओहरे वाले ला कोई तासरा देना चाहो ते लैक्चर जबरदस्त माशाल्लाह बहुत सारे लोग मुस्तफीद। तुसी ते हसदे होगे कि की कर रहे ने, की शुरू कर दिता है। शायद ही कोई बंदा ऐसा होवे जिहड़ी इन्नी अवेयर लोगों नूं घर बैठिया नूं दे रहा है। बड़ी नवाजिश, बहुत सारी ओहदे च अच्छियां गल्लां, बड़ी बड़ी जबरदस्त गल्लां। ते खास तौर ते जदों तुसी दसदे हैगे हो कि मैं तुसी सिस्टरां दे बारे दे विच कि उन्होंने हकूक, बड़ी सारी बीबियां भैणां साडियां जिहड़ियां घर बैठियां ने उन्होंने नहीं पता अपने जी। बिल्कुल, मैनू यकीन जानना अमेरिका कैनेडा स्वीडन हर मुल्क चो तकरीबन व्हाट्सएप ते वॉइस मैसेजेस आते हैं कि साढ़े मसाइल ने मेरी यूट्यूब ते मेरे लैक्चर सुनने तो बाद। लैक्चर की ने, टूटी फुटियां गल्लां ने, लेकिन यह सारा कुछ नाज़रीन ऐसे गिल वाले का फिजान जे, ऐसे गिल वाले दे यूपी चर्च स्कूल च क्रिश्चन स्कूल च मैं पहली दूजी ते तीजी जमात पढ़िया सा।
उसके बाद मैं 2 साल के लिए लाहौर गया था, मेरे वालिद साहब एक्सपायर हो गए थे जब, तो फिर मैंने 2 साल के 5वीं के बाद फिर इसी जगह आ गया, इसी गिलवाले में चक नंबर 42 शिमाली में सारी ज़िंदगी मेरी गुजरी है। मामू जान के पास रहा, उन्होंने मुझे पाला, गवर्नमेंट कॉम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल सरगोधा से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद जनाब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स सरगोधा से मैंने फिर ग्रेजुएशन की, और उसके बाद फिर, लेकिन यह कि मैं आपको बात बताऊं, मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने ये नहीं किया जिंदगी में, मैंने इतना पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा मैं, अगर मैं अच्छा इंसान ही ना बन सका मेरी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छा इंसान बने, अपने अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर कार बंद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अलवी साहब आप ये समझ लें कि मेरे लिए आपकी ये सारी गुफ्तगू और आपका मुझसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी ऑक्सीजन का बायस है, और इंशाल्लाह ताला आपकी मोहब्बतें दुआएं हमेशा जो है वो मेरे साथ हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान जो है वो इस बात का मतकाजी है कि हमने इस मुल्क में अपने रब के निज़ाम के लिए कोशिश करनी है, हमने जो है ना वो नहीं होना, कभी नाउमीद नहीं होना, नाउमीदी कुफर होती है, कुफर जो है इसका मतलब यह है कि हम अपने रब को नहीं मान रहे, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी है। तो जनाब ये सरगोधा का खूबसूरत यादें लेकर जब मैं आज जाऊंगा लाहौर, तो यकीनी तौर पर मैं अक्सर इसे देखा, मैं जब भी सरगोधा की बात करता हूँ मुझे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वजह यह है कि बचपन गुजरा है। ये देखें ये माशाल्लाह ये अजान की आवाज़, ये जनाब खूबसूरत सूरज, यही हमारा एक एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से यही हमारी बेस है, लोगों ने बस कलोनियाँ बना लीं और सारी कल्टीवेशन ख़त्म कर दी, और मुल्क में आज देख लें बड़े शहरों में स्मोक के मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया जी सर, आपका बहुत शुक्रिया अलवी साहब, अल्लाह आपको ताड़ी नवाजिश, आई लव यू, आपको जजाए खैर दे, नवाजिश, थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक पौधे दिए देखो शाखा के लिए सुपर लेती है, वाह जी वाह, नाजरीन ए अगे पिछे सारा शहर ही जे ए जेड़ा किता राजी है ना, बड़ी गल है कि इन्होंने इनू उस तरह जिस तरह इन्होंने फरमाया कि असी अपने फोर फादर्स अबाउजदाद की जी हैगा सी मामला ऐसे नू असी वधाना सी अगे जेड़ा ना चल रहे हैं। वाह जी वाह, देसी खुराक सरों का साग माशाल्लाह, लस्सी मक्खन देसी घ्यो हर चीज, थोड़ा टाइम काढ़ दे मैं ट्रैक्टर पे तुहानू बिठा दा, ट्रैक्टर पैली बंद है असीं इंशाल्लाह ताला हुण मैं बच्चे की शादी पर आना ना जी, एक अद्धा दिन मेरा क्याम रहेगा तो मैं हूँ जरा फिर असी इंशाल्लाह बैठ के ना खूब गप शप लावांगे। अच्छा है पालक हैगी है जी माशाल्लाह, पालक की फसल कितनी देर से तैयार हो जाती है? 1 महीने। अच्छा यानी फिर तुसी कल्टीवेट करके दोबारा फिर वही फसल? नहीं दोबारा हो जाती है, अपने आप हो जाती है। अच्छा तुसी सिर्फ खाद पानी काट के सफाई दी पिछो कर ओ देखो ना ओ काट, हां हां ओदा चौथा तीसरा चौथी कटाई ओ कटया ओ अगो काट के जा रहे पिछो तैयार हो ते और पानी लाई जाना, बस पानी लाई जाना खाद दी सफाई कर। वाह जी वाह, साग हो रहा सरसों दा? चाहे साग है जी, लो जनाब मखणा दा केड़ा की कही तुहानू, गंदलां दा साग ते मखण मखण हो जे जनाब। आसफ अलवी साहब दा डेरा ए मेरे ऐसे एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट बन गया जे कि आसफ अलवी साहब दे डेरे ते अशरफ आसमी, वाह वाह, खाद बगैर स्प्रे ओ लो अकबर। चलो फिर हुण जदों होएगी ना ते मैं फिर तुहाडे कोल लैके जावांगा जनाब। नाज़रीन ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक है वेजिटेबल्स जो यहाँ पर हो रही है, ये ऐ की चीज़ है जी, ऐ ये भी साग? अच्छा साग है, छोटा छोटा है, देखो ऐ साग ये इंशाल्लाह ऐ 20-25 दिन 1 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਐ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮੰਡੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ठीक है ठीक है। जिन्हें भी अगे मजेरा यानी कि तुहाडा टैलेंट है ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿੰਨੇ ਕੇ ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਆਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਸਰਗੋ ਦੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਸੀ अलहमदुल्ला बड़ा अच्छा टाइम गुजरिया और तुहानू भी मैं अज तकलीफ देती सडन तकलीफ देती अचानक बगैर शड्यूल तो ही। अच्छा जनाब ए आ गई अपना मकई जवार अच्छा जवार है जवार दी बड़ी खूबसूरत फसल माशाल्लाह एदे नाल की लगदा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਦੇ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਆ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਛਲੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟਾ ਖਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਜਿਹਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਚਲੋ ਪਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮਚੋਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਬਸ ਲੈ ਆਓ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਲਓ ਜੀ ਬੇਬੀ ਕੌਰਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਤੇ ਲਓ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੜਨਾ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹਾ ਥਾ ਉਸਕੋ ਰੂਹ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕੀ ਤਨਹਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਰੋਕਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਸਕੋ ਬਿਛੜਨੇ ਕੇ ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਵਫਾ ਪੇ ਨਾਸ ਥਾ ਸੱਚਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੂੰ ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਕਿ ਅਲਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਬਸਤੇ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ